बुजुर्ग को बेवकूफ बना युवक ने लूट लिया 80,000 रुपए। सीसीटीवी की सख्त निगरानी के बावजूद भी बदमाश एटीएम से लूटपाट करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। कुछ ऐसी ही वारदात बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में हुई। एटीएम से रुपए निकालने गए बुजुर्ग से एक युवक ने 80,000 रुपए ठग लिए। रीवा के गढ़ थाने के गौरा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से एक महिला को ससुर वालों ने जिंदा जला दिया। आनंद फानंद में उपचार करने के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय पति घर पर नहीं था। सरकारी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर यह वृद्ध महिला देती है गालियां। हाल ही एमपी सरकार की योजना चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के एक आदिवासी ग्राम पंचायत का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें भी सुना कोसा प्रदेश सरकार की योजनाओं को। मध्य प्रदेश के सतना जिला अंतर्गत चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामवासी इन दिनों सरकारी योजनाओं से खासे खफा हैं। जबलपुर तलैया स्थित जैन मंदिर में निरंतर सेवा देने वाली माता ने शुक्रवार को अंतिम सांस ली। उन्होंने मंदिर परिसर में प्राण त्यागे। इसके बाद समूचे जैन समाज द्वारा विधि विधान से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। शव यात्रा राणीताल शमशान घाट पहुंची, लेकिन यहां पर उनकी लकड़ियों की बजाय नारियल की सेवा बनाई गई। जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी प्रांगण में रविवार को नगर पालिका सिहोरा के संयोजन में सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। इस सामूहिक विवाह में 10 गरीब कन्याओं को शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। सामूहिक विवाह को लेकर शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला चौरसिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आगर मालवा स्थित जिला मुख्यालय पर शुक्रवार सुबह से ही अमृत समान दूध ढोल दिया गया। सब्जी फल की हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन अभी भी जारी है। सुबह बदौर रोड पर गांव से दूध लेकर आ रहे ग्रामीणों ने सड़क पर दूध बहाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने साथी दूध केंद्र पर एक वाहन में से दूध से भरी 10 केन सड़क पर उड़ेल दी। उपद्रवी अंदर घुसकर दूध ढोलने की फिराक में थे। खंडवा स्थित प्रेमी ने नाबालिग का गला काट दिया, फिर खुद को चाकू से भी घायल किया। प्रेम प्रसंग में युवक ने नाबालिग पर चाकू से किया हमला, युवक ने खुद को भी किया घायल। दोनों जिला अस्पताल में भर्ती, कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। घटना शहर के सर्वोदय कॉलोनी की बताई जा रही है। ओरछा रेसिडेंस पर गुरु शुक्र की दरमियानी रात छापा मारकर देह व्यापार संचालित करने वाले होटल मैनेजर एक इलाहाबाद की युवती व 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापामार कार्रवाई में होटल के कमरे से 2 युवकों व 1 युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि होटल ओरछा रेसिडेंस का मैनेजर विजय शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से लड़कियों को ओरछा बुलाता था, जहां ग्राहकों के सामने लड़की प्रस्तुत की जाती थी। इंदौर स्थित MY अस्पताल में लाइव सर्जरी द्वारा छात्रों ने सीखा ऑपरेशन। लंबे समय से MY अस्पताल में तैयार ऑडिटोरियम कैमरे और स्क्रीन चालू नहीं होने के कारण अटका था। गत दिनों कमिश्नर संजय दुबे ने लेट लतीफी को लेकर PWD अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाया कि प्रदेश में पहली बार किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुक्रवार को शुरू हो जाएगी। पत्नी से चिक-चिक के चलते पति ने लगाई फांसी। बताया जा रहा है गलत आदतों को लेकर पत्नी से आए दिन विवाद होता था, जिसके चलते गुरु शुक्र की रात मैं अपने घर पर नशे की हालत में आया और पत्नी से इसका विरोध किया तो कमरे में जाकर फांसी लगा ली, जिसकी सूचना पत्नी वर्षा ने तत्काल मोहल्ले वालों को दी।